मास्टर प्लान को लेकर 13 साल पुरानी पीआईएल पर राजस्थान हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मास्टर प्लान में निर्धारित ग्रीन जोन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग नियमों को भी मॉडिफाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग, संगीत लोढ़ा व अरुण भंसाली की बेंच ने कंपाउंडिंग नियम को सख्त बनाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अन्य निर्देशों को यथावत रखा है। इस हिसाब से कोर्ट की ओर से 12 जनवरी 2017 को दिए गए 35 दिशा निर्देश भी यथावत रहेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि भवन निर्माण बायलॉज से ज्यादा को कंपाउंड नहीं किया जा सकेगा। अब इस मामले से जुड़ी अन्य जनहित याचिकाओं पर 4 फरवरी 2019 से खंडपीठ में सुनवाई होगी। राज्य सरकार जनहित याचिका वृहद पीठ की सुनवाई के बाद जजमेंट प्रोनाउंसमेंट में लिखा था, माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया। उसमें राज्य सरकार की जो दलीलें थी कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करने के लिए, वो वर्चुअली डिक्लाइन की गई है। उनमें कोई हमें विशेष रिलीफ नहीं मिली है, सिर्फ कंपाउंडिंग के प्रोविजन पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है स्लाइटली। हालांकि उसका उपयोग भी जजमेंट की लाइन में ही करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो एप्लीकेशन रिकॉलिंग की थी वो रिजेक्टेड है और वापस पुनः सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच को रेफर किया मैटर, जो 4 फरवरी 2019 को लिस्ट होगा। मीनवाइल हमें कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना है।